बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग लीबा लीबा शना शोनू गुड मॉर्निंग करो गुड मॉर्निंग अफू बोलो गुड मॉर्निंग हाय गाइस करो हाय गाइस करो अफू हाय गाइस करो ओ लीबा क्यों रो रही है आरा करेगी हाय गाइस अरे आप करो यहां खड़े हो आपको बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है शाम का टाइम और मैंने बनाई है चाय, और ये चाय है बाजी की यानी कि अप्पी की और मम्मा की, और ये लोग फीकी ही चाय पीते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अप्पी को और मम्मा को दोनों को डायबिटीज़ है, तो ये शुगर फ्री भी रखी है क्योंकि इसे डाल के ये चाय पी जाएगी। वैसे नॉर्मली तो ये लोग चाय जब पीते हैं तो मतलब फीकी पीते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ के साथ मतलब जैसे नाश्ता करते हैं तो शुगर फ्री की ज़रूरत पड़ती है। और आज पार्टी हो रही है हमारे यहाँ पर और ये पार्टियाँ होती ही रहती हैं। तो अभी कौन दे रहा है, अभी अप्पी दे रही है। अप्पी की तरफ से एक गुड न्यूज़ है कि अप्पी की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। अप्पी इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग अपलोड करेंगी तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। तो अप्पी अपनी खुशी खुद दिखाएंगी, लेकिन हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर ना एक शॉप है राजीव स्वीट्स, बहुत मतलब हम लोग बचपन से वहाँ के समोसे खाते हैं और बहुत ही यम्मी समोसे होते हैं, तो हम लोग वही खा रहे हैं। एक्चुअली ब्रेड भी खाते हैं लेकिन उसके पास ब्रेड का स्टॉक ख़त्म हो गया था तो फिर समोसे ही खाने पड़े। तो बस हम लोग ये सब इन्जॉय कर रहे हैं और अप्पी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अप्पी की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है और अप्पी भी बहुत खुश हैं। और ये रही अप्पी। आप लोग कई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी भी अप्पी के चैनल को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लिंक चाहिए होता है, तो मैं इस बार अप्पी के चैनल का लिंक कम्युनिटी में लगाऊंगी और उस लिंक को फॉलो करना, तो आप डायरेक्ट अप्पी के चैनल पर पहुंच जाओगे। और ये है आयज़ा। एक्चुअली आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हो कि अपनी बेटी का नाम आयज़ा रख लो आयज़ा रख लो, तो आयज़ा अन्नू की बेटी का नाम है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम आयज़ा नहीं रख रही हूँ। और नाम सच में इस बार तो क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, नाम ही नहीं समझ आ पा रहा मुझे कि मैं क्या रखूँ उसका नाम। और मैंने आपको बताया था ना उसकी फूफी ने उसका प्यार से नाम लिबा रखा था, तो बहुत से लोग कहते हैं कि लिबा नहीं लाइबा होता है, लेकिन डियर ये जो है ये लिबा ही है। लाइबा भी एक नाम होता है वो भी मुझे पता है, लेकिन जो हमने रखा है वो लिबा ही है और लिबा भी एक नाम है अलग से। तो बस यहाँ पर सब इन्जॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता, और सबके साथ नाश्ता करने में तो वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी बैठी हूँ और ये आ गई हूँ मैं। एक्चुअली अभी तक तो मैंने अपना मतलब वो भी नहीं निकाला था, स्टैंड भी नहीं निकाला था, लेकिन फिर व्लॉग शूट करना था, मैं कहा चलो अब कर लेते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन लगा दिया है मतलब पीछे किसी से टिका के, तो अभी स्टैंड से शूट नहीं हो रहा है। तो मैं और आयरा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनु मीना सभी हैं, मैं भी आप लोगों को सबको दिखा दूँगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बहुत मज़े आ रहे हैं मायके में, तो सभी को अच्छा लगता है, सभी को मज़े आते हैं इसे कोई नई बात नहीं है। और आप लोगों को माशाल्लाह से मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमारे घर में इतने सारे बच्चे हो गए हैं कि एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। चलो आप शूट तो कर लोगे, लेकिन अब भी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये शाम के 5 बजे कर रही हूँ और सब सोए हुए हैं और मैं बिल्कुल अलग से आके मैं अपना काम कर लेती हूँ, वरना फिर से पीछे से कोई रो रहा है, कोई मेरी आयर वो लिबा है वो ही इतना रोती रहती है, परेशान करती रहती है, फिर आयरा भी परेशान अलग से करती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। बट चलो कोई नहीं, काम तो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सब बच्चे भी बैठे हुए हैं, पीछे अन्नू है, उधर मेनाज बैठी हुई है, तो बस अभी इंजॉय कर रहे थे शाम की चाय और नाश्ता। और आयरा दिखा रही है कि मैं क्या खा रही हूँ आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं समोसे। तो यही ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। और ये अप्पी का फ़ोन आ गया थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है, अप्पी भी शूट कर रही थी, तो मैं बता रही थी कि पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं मतलब अभी भी आज बैठ के सोच रही थी कि मुझे आए हुए यहाँ पर 10 दिन हो गए और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मुझे आए हुए यहाँ पर 10 दिन हो गए।
तो ऐसे ही अपनों के साथ सारा टाइम यूं ही हंसी मजाक में बीत जाता है। और अभी तो और ज़्यादा चीज़ें होनी हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन ये होता है कि ऑल टाइम शूट नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार मस्ती भी होती है। लेकिन आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ आने वाली हैं, इस बात की तो गारंटी है। और आप लोग तो जी, ये है हमारा डिनर। और डिनर में क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। डिनर में ये है मूली की भुजिया, और मूली और मसूर की दाल, नहीं मसूर की नहीं, पता नहीं कौन सी दाल होती है, उसके साथ बनाई जाती है। और ये है मसूर की दाल और रोटी। और मैं अभी भी थोड़ा परहेज़ का ही खाना खाती हूँ, मतलब पार्टी वार्टी तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ, लिमिटेड खाती हूँ। और उसके बाद मैं अपना परहेज़ का प्रॉपर ख्याल रखती हूँ, मैं क्या मेरे घर वाले ही रखते हैं, तो इसीलिए मैं मतलब यही खाना खा रही हूँ, सादा सिंपल। तो हालाँकि ये बहुत टेस्टी है, क्योंकि आप ये बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। अगर मैं आपको खिला पाती तो दिखाती कि आप कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। और अभी क्या का खाना खा ले इंसान, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी आप खाना मतलब लाजवाब बनाती हो, बहुत ही टेस्टी होता है आपके हाथ का खाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे, और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, और यहाँ आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा। ऑब्वियसली मायके में तो सबको अच्छा ही लगता है, मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है कि ससुराल में अच्छा नहीं लगता, अच्छा वहाँ भी लगता है, बट ये होता है ना कि फिर हम यहाँ पर मेहमान हो जाते हैं, और फिर जब हम बहुत दिनों बाद आते हैं तो फिर बहुत 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 अच्छा लगता है, और हम लोग अपने मायकों को मिस भी करते हैं, तो फिर जब आ जाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैं कैसे कैसे आई वो सब मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो पता है मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल, वो लिबा है छोटी उसके चक्कर में। अच्छा, लिबा से एक चीज़ और याद आई, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि उसका नाम उसकी फूफी ने प्यार से निकनेम लिबा रखा है, तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि अभी लिबा नहीं होता, लाइबा होता है। तो हाँ, लाइबा भी होता है, लेकिन लाइबा अलग नेम है, लिबा अलग नेम है। लिबा का मीन्स है कि जन्नत की खूबसूरत हूर, तो इस तरह से उसका नाम लिबा है निकनेम। बाकी उसका ओरिजिनल नेम अभी तक मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इतना सर्च कर रही हूँ लेकिन कोई भी नाम एक ढूंढा भी था इतनी मुश्किल से, तो वो आप लोगों मतलब मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने उसको ये कहा कि ये नाम है इसका है उसका है और बहुत पुराना है, तो फिर मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी। तो अब मैं एक और नया नाम ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाता है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये आयरा आ चुकी हैं, और आयरा तो बस क्यों अच्छा आंटी ने मंगाया है, तो हाय गाइस तो कर दो, हाय गाइस तो कर जाओ, हाय हाय गाइस, बोलो कैसे हो आप लोग? आप लोग कैसे हैं? मेरी पीछे से चोट लगी है, अम्मे 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 आपसे आपसे पूछा करती हूँ। बाय बाय बाय। आयरा कह रही है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो भी था मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोग को कुछ कर रहे हैं कितना कम कहती हूँ। नहीं ऐसे बोलो, मम्मा का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं मम्मा शेयर करना, और क्या बोलते सब्सक्राइब करना मम्मा के चैनल, सब्सक्राइब करना। आ रही हूँ, तो चलो जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज आगे भी इंशाल्लाह ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आयरा ने कहा है आयरा आपकी बहुत लाडली, और अब मैं जा रही हूँ, मेरे नाम के वारंट निकल चुके हैं बाहर, तो मैं चलती हूँ बाहर, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो जी ये नज़ारा है सुबह के 4 बजे का, और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि हम पूरी पूरी रात हम सारी बहनें बात करते हुए गुजार देते हैं। तो अभी इसमें बाजी तो नहीं है, मैं अनु और मैनाज हैं फ़िलहाल तो, और ये देखिए छुटकी भी अभी तक जगी हुई है। ये वैसे भी रातों में जगती है, तो पता है हम लोग बात करते हैं ना, तो ये भी अपनी बातें करती है, आऊ आऊ, आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी कि मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तब भी इसकी बातें चालू हैं। तो ऐसे हम पता है पागलों की तरह पूरी पूरी रात जागते हैं, और सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे ऐसे ऐसे सोने जाते हैं, और फिर सुबह उठते हैं 12 बजे और 11 या 12 बजे ऐसे उठते हैं। तो बस यही सब मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो यहाँ सामने बैठी थी मैं नाज, और मैं नाज बिल्कुल नहीं दिख रही थी। मैं कह रही थी कैसे शूट करूँ, तो मैं नाज ने आइडिया दिया, अरे अपनी टॉर्च लाई तो डरा चलाओ। इसी बात पे हम लोग सारे हंस रहे हैं, और हम पता बहुत छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, और इतना हंसते हैं कि फिर बाहर से मम्मी पापा की आवाज़ आती है, अरे सो जाओ, अरे सो जाओ। और पूरी रात बैठे बैठे यूँ ही कट जाती है, पता ही नहीं चलता। जबकि पता है छोटे छोटे बच्चों का साथ है, और पता जब हमारी महफिल ये ख़त्म होती है ना 4 बजे 5 बजे कई बार 6 बजे, तो उसके बाद मुझे लिबा भी नहीं सोने देती है, मुझे और देर तक जगाती है। तो कई बार ऐसा होता है मैं रातों को सोती ही नहीं हूँ, फिर मैं दिन में सोती हूँ, और दिन में भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है सोने का। तो ऐसे ही मतलब टाइम पास हो जाता है, और एक महीना कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। और अभी आपको लिबा के रोने की भी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर आयरा का विकेट तो खैर गिर चुका है, हालांकि ये भी हमारा बहुत साथ देती है, लेकिन अब इसकी हिम्मत टूट गई और ये सो गई।